और वहीं जगदलपुर में सीएम भूपेश ने ऐलान किया है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री श्रमिक संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी और इसकी स्थापना जिला मुख्यालय और विकासखंड स्तर पर होगी। तो सीएम ने कहा है कि मुख्यमंत्री नूनी सशक्तिकरण सहायता योजना की शुरुआत होगी और श्रमिक परिवारों को बेटियों को शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार और विवाह में सहायता मिल सकेगी। छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीयन होगा और पंजीकृत हितग्राहियों की पहली दो बेटियों को इसका लाभ मिलेगा। सीएम ने कहा है कि बैंक खाते में 20,000 रुपए की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा। तो गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। जिला मुख्यालय और विकासखंड स्तर पर यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री नौनी सशक्तिकरण सहायता योजना होगी और फिर श्रमिक परिवारों की बेटियों को शिक्षा और रोजगार मुहैया कराया जाएगा। साथ ही यह भी बताया गया है कि स्वरोजगार और विवाह में सहायता भी मिल सकेगी। छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण